कैसे किया जाता है, लोअर बिट से एंड अपर बिट से। अब हम देखेंगे डिफरेंस। जब भी कोई क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता है, जब हमसे कोई क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता है तो हम डिफरेंस की हेल्प लेते हैं। ठीक है, पहले हम जो क्वेश्चन देखेंगे कि डायरेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब हम डिफरेंस की हेल्प लेंगे। अब हम जानते हैं कि डिफरेंस होता क्या है और इसका यूज हम कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए या मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के लिए करते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंस होता क्या है। जब टू डिजिट का सम, जब टू डिजिट को प्लस करने पर 10 आता है, जब टू डिजिट को हम प्लस करते हैं और उन दोनों का सम 10 होता है तो हमें वो क्या होते हैं आपस में, फ्रेंड। तो हम उन्हें कहते हैं बिग फ्रेंड। जैसे नंबर का फ्रेंड नंबर होता है, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं 9 + 1 = 10। मतलब यहाँ क्या हुआ, 9 नंबर है, ये 9 भी और 1 भी एक नंबर है, इन दोनों का सम कितना हो रहा है 10। तो ये क्या हो गया आपस में फ्रेंड, 9 का फ्रेंड 1, 1 का फ्रेंड 9। ऐसे ही 8 + 2 = 10, यहाँ पे भी नंबर का नंबर का टोटल कितना हो रहा है 10। तो ये दोनों भी आपस में फ्रेंड, 8 का फ्रेंड 2, 2 का फ्रेंड 8। अब देखते हैं हम नेक्स्ट 7 + 3, 7 + 3 = 10। मतलब 7 का फ्रेंड 3, 3 का फ्रेंड 7, क्योंकि इन दोनों का सम 10 है। अब हम देखते हैं 6 + 4 = 10, 6 का फ्रेंड 4, 4 का फ्रेंड 6, क्योंकि इन दोनों का सम भी 10 होता है। जैसे मैंने आपको बताया था नंबर का फ्रेंड नंबर होता है, क्योंकि जब इन दोनों का सम 10 होता है तो ये दोनों आपस में फ्रेंड होते हैं, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, ऐसे ही 5 का फ्रेंड 5 होता है, क्योंकि इसका सम 10 होता है। ठीक है, ऐसे ही आपको बच्चों को रिवाइज कराना है एटलीस्ट 20 मिनट तक, ताकि उनको ये लर्न हो सके और वो याद कर सके, इसको रिमाइंड कर। जैसे कि हमने आपको बताया था कि कोई सम अगर डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता है तो हम बिग फ्रेंड की हेल्प लेते हैं। ठीक है, पहले हमें उसे डायरेक्ट करना है, अगर डायरेक्ट नहीं होगा तभी हम बिग फ्रेंड के पास जाएंगे। तो ऐसे ही बिग फ्रेंड, पहले हम जानते हैं बिग फ्रेंड होता क्या है। ठीक है, हम दोबारा रिवाइज कराते हैं बिग फ्रेंड क्या होता है। ठीक है, जब भी दो डिजिट को प्लस करने में उनका सम 10 आता है तो वो क्या होता है, आपस में फ्रेंड होते हैं। ठीक है, जैसे 8 + 3 = 10, तो ये क्या हो गया आपस में फ्रेंड। ऐसे ही हम देखते हैं जैसे 9 + 1 = 10, ये आपस में क्या हो गया फ्रेंड, 9 का फ्रेंड 1, 1 का फ्रेंड 9, क्योंकि इन दोनों का सम है 10। ऐसे ही 8 + 2 = 10, क्योंकि 8 का फ्रेंड 2, 2 का फ्रेंड 8, क्योंकि इन दोनों का सम भी 10 है। वैसे ही 7 + 3 = 10, 7 का फ्रेंड 3, 3 का फ्रेंड 7। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं 6 + 4 = 10, 4 का फ्रेंड 6, 6 का फ्रेंड 4, क्योंकि इन दोनों का सम भी 10 है। जैसे मैंने बताया था आपको नंबर का फ्रेंड नंबर होता है, वैसे ही ये दोनों आपस में फ्रेंड है। ऐसे ही 5 + 5 = 10, 5 का फ्रेंड 5, क्योंकि इन दोनों का सम भी 10 है। जैसे नंबर का फ्रेंड नंबर होता है, वैसे ही साइन का फ्रेंड भी साइन होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ऐसे ही आपको स्टूडेंट को ये रिवाइज कराना है ताकि वो याद कर सके, हमको रिमाइंड रहे ये चीज और वो भूले ना। ठीक है, कम से कम एटलीस्ट 15 से 20 मिनट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमने बताया था साइन का फ्रेंड साइन, नंबर का फ्रेंड नंबर, देखते हैं +9 = -1 + 10, +9 का फ्रेंड क्या होगा -1। ठीक है, अब -1 का फ्रेंड क्या होगा +9। ऐसे ही -9 का फ्रेंड +1, +1 का फ्रेंड -9। ठीक है, ये आपको बच्चों को ऐसे ही लर्न कराना है, माइनस का फ्रेंड प्लस, प्लस का फ्रेंड माइनस। ठीक है, जैसे 8 + 8 = -2, +10, -2 का फ्रेंड +8, +8 का फ्रेंड -2। ऐसे ही -8 = +2, -8 का फ्रेंड +2, +2
नेक्स्ट देखते हैं प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 3। माइनस 3 का फ्रेंड क्या होगा प्लस 7 और प्लस 7 का फ्रेंड क्या होगा माइनस 3। जब भी ये किसी प्रॉब्लम में होंगे तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे क्योंकि इन दोनों का सम भी 10 होता है। ठीक है माइनस 7 इज इक्वल टू प्लस 3। माइनस 7 का फ्रेंड 3 प्लस 3 प्लस 3 का माइनस 7। हमें ये साइन के साथ याद करना है ताकि हम जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हो कोई सम डायरेक्ट ना हो रहा हो और उसके लिए हमें बिग फ्रेंड की हेल्प लेनी पड़े तो हम इसको सॉल्व कर सके। ऐसे ही प्लस 6 का फ्रेंड माइनस 4, माइनस 4 का फ्रेंड प्लस 6, माइनस 6 का फ्रेंड प्लस 4, प्लस 4 का माइनस 6 क्योंकि इन दोनों का सम भी 10 होता है। ठीक है वैसे ही प्लस 5 का फ्रेंड माइनस 5, माइनस 5 का प्लस 5, माइनस 5 का प्लस 5, प्लस 5 का माइनस 5। ये हमें याद रखना है कि किसका फ्रेंड कौन होता है। चार पांच बार पढ़ेंगे बच्चों को 20 से 30 मिनट तक रिवाइज कराएंगे तो उनको लर्न हो जाएगा इजली फिर वो इसको यूज करेंगे। हमने इसे देखा प्लस 9 का फ्रेंड क्या होगा माइनस 1 प्लस में 10। माइनस 1 होगा तो प्लस 9 करेंगे, प्लस 9 होगा तो माइनस 1 करेंगे। ठीक है ऐसे ही माइनस 9 का फ्रेंड प्लस 1, प्लस 1 का माइनस 9। ठीक है और जी ये 10 है ये 10 किस में होगा 10 बिट्स पे अप एंड डाउन होगी। 1 बिट्स 10 स्टोर पे अप एंड डाउन होगी। अगर प्लस करना है तो 10 बिट्स ऐड होगी, अगर माइनस करना है तो 10 की रोड पे 10 बिट्स डाउन होगी। ठीक है ऐसे ही प्लस 8 का फ्रेंड माइनस 2, प्लस 10। ठीक है माइनस 8 का फ्रेंड प्लस 2, माइनस 10। ठीक है ऐसे ही माइनस 2 को कौन हेल्प करेगा प्लस 8 करेगा और प्लस माइनस 8 को कौन हेल्प करेगा माइनस 2 करेगा। ठीक है ऐसे ही प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस में 10। 3 का फ्रेंड माइनस 3 का फ्रेंड प्लस 7, प्लस 7 का माइनस 3। ऐसे ही माइनस 7 इज इक्वल टू प्लस 3 माइनस 10। माइनस 7 का फ्रेंड कौन होगा प्लस 3, प्लस 3 का फ्रेंड कौन होगा माइनस 7। ठीक है ऐसे ही प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस में 10। प्लस 6 का फ्रेंड माइनस 4, माइनस 4 का फ्रेंड प्लस 6। ऐसे ही माइनस 6 का फ्रेंड प्लस 4, प्लस 4 का माइनस 6। ये आपको रिमाइंड रखना पड़ेगा क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। प्लस 5 का माइनस 5, माइनस 5 का फ्रेंड प्लस 5, माइनस 5 का फ्रेंड प्लस 5, प्लस 5 का फ्रेंड माइनस 5। हमें याद रखना है जब भी टू डिजिट का सम 10 होगा तो वो क्या होगा बिग फ्रेंड और उनका सम 10 होने से अगर हमें प्लस करना है तो 10 रोड पे 1 बिट अप होगी, अगर माइनस करना है तो 10 रोड पे ही 10 बिट्स की 1 बिट्स डाउन होगी। ठीक है।